नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। बड़े अपडेट का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अनिल विज की नाराजगी से जुड़ी हुई बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। विज ने नाराजगी की खबरों का खंडन किया है। वहीं सीएम को मैंने कोई चिट्ठी नहीं लिखी, ऐसा विज ने बयान दिया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैंने चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा है और अफसर काम नहीं करेंगे तो पत्र लिखना आम बात है, मेरी सरकार है, कैसे नाराज हो सकता हूं मैं उससे। तो विज ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ये तमाम बातें कही हैं और उन्होंने कहा है कि कोई अपनी सरकार से नाराज नहीं होता और मेरी किसी से भी कोई नाराजगी नहीं है। तो अनिल विज का ये तमाम बयान सामने आया है, जिन्होंने ये तमाम बातें कही और उन्होंने नाराजगी की खबरों का खंडन किया है और उन्होंने कहा कि सीएम को मैंने कोई चिट्ठी नहीं लिखी, मैंने चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा था और अफसर काम नहीं करेंगे तो पत्र लिखना एक आम बात है, मेरी सरकार है, मैं उससे नाराज कैसे हो सकता हूं। मुख्यमंत्री जी को कोई चिट्ठी नहीं लिखी और ये बार बार मेरे सामने प्रश्न मत लाया करो, मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं होती है, मैं कभी कहीं नहीं होता। हाँ, मैंने चिट्ठी लिखी है, चीफ सेक्रेटरी को लिखी है, अधिकारी अगर काम नहीं करते हैं, ये चिट्ठियों का लिखना आम बात है। इससे ये निष्कर्ष निकालना कि कोई नाराज है, ये बेमानी बात है। मैं नाराज क्यों हूँ, मेरी सरकार है, मैं अपनी सरकार से कैसे नाराज हो दूंगा। ऐसा ना, मतलब तो लोगों की ग्रीवेंसीज का समाधान करना है और मुख्यमंत्री जब खुद हर जिलों में जा रहे हैं तो फिर कैंप लगाने की आवश्यकता नहीं। ये बीच बीच में हमें करनी पड़ती है, कार्रवाई भी करते हैं हम जब कोई काम नहीं करता, और इसीलिए सरकार बनी हुई है कि अधिकारियों से काम नहीं।